इस संसार के अंदर आप पूछते हो परमात्मा से कैसे क्या करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे पता चले हम परमात्मा के नज़दीक हैं या नहीं हैं। आप लोग इस संसार से देखिए, क्या कभी किसी लड़की को ये बताना पड़ता है कि हम प्यार करते हैं? क्या किसी लड़के को बताना पड़ता है कि हम प्यार करते हैं? नहीं बताना पड़ता, उन्हें पता चल जाता है कि ये हो रहा है। तो जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, निष्काम प्रेम करेंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, उसके लिए आंसू बहाएंगे, उसके लिए साधना करेंगे, उसके लिए सुमरण करेंगे, उसके लिए एक एक चीज़ को छोड़ते चले जाएंगे, तो परमात्मा और आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि मैं परमात्मा के नज़दीक हूँ या नहीं हूँ, परमात्मा मेरे नज़दीक है या नहीं है। समझो, आप संसार अगर आपके नज़दीक है तो परमात्मा आपसे दूर है, संसार आपसे दूर है तो परमात्मा आपके नज़दीक है। आप अपने अंदर में तलाश कीजिए कि आप कितना खोज कर रहे हैं, आप कितना समर्पण कर रहे हैं। आप जब तक समर्पण नहीं करेंगे परमात्मा को कैसे होगा? आप सब चीज़ों को अपने पीछे छुपा छुपा करके रखते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा भी प्राप्त हो जाए, परमात्मा तो मेरा है, अरे वो तो फ्री मिल रहा है। ये नहीं फिर पता कि वो परमात्मा सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ छीनने के बाद फिर वो रास्ता दिखाता है, फिर चलना शुरू करता है। अगर हमारे पास कुछ भी शेष है, मन में कुछ भी विचार बाकी हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, रास्ता ही नहीं होता। आप सोचो, शादी से पहले किस प्रकार से लड़की को दिखाया जाता है, सजा करके, संवार करके। मेरे पास एक आए, उन्होंने कहा कि रिश्ते वालों ने मना कर दिया। मैंने कहा वो आदमी तो बहुत अच्छे थे, मना क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि लड़की को तैयार नहीं किया जी, उन्होंने ऐसे ही देख लिया लड़की को बिना तैयार किए हुए। वो लड़की साधारण से वस्त्रों में थी, तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया देख करके उसको। मैं सोचने लगा, जब एक लड़की बिना तैयारी के, छोटा सा काम है, ससुराल वाले मना कर सकते हैं, रिश्ते से मना कर सकते हैं, तो ये आत्मा उस परमात्मा से कैसे प्यार करेगी? ये जब तक तैयार नहीं होगी वहाँ पहुँचने के लिए, तो परमात्मा इसको कैसे पसंद करेगा? परमात्मा के जब तक ये अंदर से, मन से नहीं रिझा पाएगी, जब तक ये आत्मा अपने प्रियतम को नहीं रिझा पाएगी, कैसे इस आत्मा को वो परमात्मा पसंद करेगा? और जो आत्मा उस परमात्मा को नहीं रिझा सकती, जो आत्मा उस परमात्मा को नहीं खुश कर सकती, जो आत्मा उस परमात्मा को के अंदर मुस्कान पैदा नहीं कर सकती, जो आत्मा उस परमात्मा से प्यार नहीं कर सकती, जो उसके लिए पवित्र नहीं हो सकती, परमात्मा उसके ऊपर क्यों रिझेंगे? क्यों उसको अपने दरबार बुलाएंगे? क्यों अपने चरणों में स्थान देंगे? आप सोचो, आप सोचते नहीं, संसार के अंदर चलता रहता है, सोचते नहीं, खोजते भी नहीं।